हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके हर्बल। आई एम अनीता। हमारे हर प्रोडक्ट को अपना इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। तो आपके पास नरिशमेंट पैक आ गया, ऑयल आ गया, हमारा ग्रे हेयर पैक आ गया, कंडीशनर आ गया। फिर आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आई कि मैम शैम्पू भी प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि हमारे को ये शैम्पू सूट नहीं करता, कौन सा करें। एक बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि आप बाज़ार के लाए शैम्पू से इस हर्बल शैम्पू का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसमें आपको बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत प्यारी पैकिंग आती है, बहुत सारा फोम आता है, लेदर जैसा दिखाई देता है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। अगर इसकी दूसरी साइड बात करूं कि इस वाले शैम्पू में, जो कि बहुत जल्दी आप सबके घर आने वाला है, और आज मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि इसको बनाना कैसे, आपको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लेने क्या वाले हैं। अगर आपको यहाँ बहुत सारे रोजेस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम फ्रेश सुखाते हैं और ये पाउडर फॉर्म में भी पिसवा के आपके उसमें डाला जाएगा, लेकिन हम फ्रेश भी डालते हैं थोड़ा ड्राई करके, ठीक, ताकि जब आप उसे बनाएं तो प्यारी सी खुशबू आपको आए। उसके अलावा जो ये हमारे प्योर हर्ब्स होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी खुशबू नहीं देते हैं, बहुत सारा फोम या लेदर नहीं बनाते हैं आपके बालों में कि आपको देखते ही लगे वाओ। अगर ये तो सब जानते हैं कि हमें रीठा डालना पड़ता है उसके लिए, लेकिन अगर मैं बहुत एक्सेस रीठा डाल दूं कि आपको बहुत प्यारे झाग मिले, तो किसी एक लिमिट के बाद वो नुकसान करेगा। तो हमें हर चीज़ का बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके स्कैल्प को साफ कर देंगी, आपके बालों को साफ कर देंगी। उसके बाद भी कई लोग होते हैं ना जिन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक वो बहुत सारे झाग ना आए। तो आप ये कर सकते हो, जैसे अगर आज मैंने ऑयलिंग की, तो आप क्या करोगे, अगर आपके बालों में बहुत सारा, जैसे आज मेरे बालों में तेल नहीं था और मैंने इस शैम्पू को यूज़ किया, तो ये उसका रिजल्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको अभी इस पे प्रेसिंग मारती बहुत स्ट्रेट से बाल दिखा दूँ, ये इसका रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप सब हमारी फैमिली, आप जब भी चाहोगे मुझे कॉल कर सकते हो, तो हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो हकीकत है। तो क्या होता है कि अगर मान लो मैं ऑयल मैंने अगर लगाया हुआ होता है, तो अगर मैं चाहूँगी बस मैंने एक बार बाजार जैसे शैम्पू वाले से किया और मेरा सारा तेल निकल गया, ऐसा नहीं होगा। निकल जाएगा लेकिन शायद आपको उतना अच्छा ना लगे। तो आप क्या करोगे, इसको दो बार यूज़ कर लोगे, ठीक। एक तरीका रहेगा, जैसे आज मेरे बालों में तेल नहीं था, मैंने बालों को नीचे गीला किया, मैं दिखाऊंगी मैं मानसी के ऊपर, तो मानसी के बालों में अगर ऑयल डाला हुआ है, तो अगर मैं उसके बालों में सिर्फ नीचे करूं और एक बार मैंने अच्छे से शैम्पू किया, जाने दिया, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही धो रहे हैं हम, नल के नीचे सीधा शैम्पू किया, धोया, जैसे नॉर्मल आप शैम्पू करते हो। मान लो आपको लग रहा है कि मेरे बालों में थोड़ा ज़्यादा तेल है और मैं इसे बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सारे बाल नीचे करके जैसे हम धोते हैं वैसे आप धोओगे पानी से, उसके बाद ये जो लिक्विड आप बनाओगे, जिसे मैं बनाना अभी आप सिखाऊंगी आपको, उसको आपने बालों में अच्छे से डाला, नीचे एक बड़ा बोल और रख लोगे आप। जब वो सारा शैम्पू ऊपर से नीचे तक आपने बालों में जैसे ऊपर ऐसे किया, उसके बाद उसको मलते हुए आप नीचे आ गए, राइट। आने के बाद आप क्या करोगे, उसी पानी को फिर से मग में लोगे, डालोगे, दो तीन बार करोगे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद आपने पानी से धो लिया। अगर कभी आपको लगता है मेरे को थोड़ा सा एक बार और चाहिए, आप थोड़ा सा फिर से पानी से धोने के बाद थोड़ा सा और लिक्विड ले लो, फिर से धो लो, कोई कम से कम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें इसी तरह का, जैसे ये तो आज रोज सूख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जैसे ही मेरा 15 दिन का स्टॉक खत्म होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसीलिए हम आपको लिक्विड बना के नहीं भेजते, ताकि जब किसी किसी का घर ऐसा है 8 दिन 10 दिन में पहुंचता सामान, 5 दिन 4 दिन, तो क्यों गर्मी में बरसात में बाहर सामान ऐसे छोड़ना। तब ये रेडी होके जाता है आपके पास पाउडर फॉर्म में, इस तरह से आएगा। रेडी कैसे करना है वो मैं अपने वीडियो में सिखा दूंगी। बिलीव मी, कोई नुकसान नहीं, आपके घर में छोटा बच्चा है, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, इसको दिल खोल के यूज़ कीजिए। इसमें इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं जो आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बाल भी आपके साफ रहेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो अब ये वाला शैम्पू जो आप लोगों के पास आता है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। आप लोग जब इसको यूज़ कर रहे हो, अगर आप चाहोगे तो ये पूरा एक बार में बना सकते हो, आप चाहोगे तो हर बार का नया बना सकते हो, टोटली डिपेंड होता। तो अगर मैंने मानो ये मैंने जिस
चीज से भी मेजर कर रहे हो, आप कटोरी, ग्लास, चम्मच, कलछी, जो लेना चाहो, ठीक है, जो भी एक पार्ट लिया है उसका 10 गुना मैं पानी ले रही हूं। अब आप देखो ये पूरा मेरा 10 था, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर से मुझे मेजर करके दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। तो 10 गुना पानी ले लिया जिस बर्तन से भी आपने नापा है। अब अगर आप किचन में कर रहे हो या जहां भी कर रहे हो इसको चलाते जाइए, ठीक है, ताकि इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप गैस पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका जैसे मैंने बताया था कि अगर आप चाहो जब आप इसको छानोगे तो जो इसका बचता है ना छानने के बाद आपके पास, उसको भी आप चाहो तो अपने नरिशमेंट पैक के साथ या वैसे ही कभी भी दही के साथ, बनाना के साथ, अंडे के साथ ग्राइंड करके स्कैल्प पे लगा के और फिर आप उसको बस आधे घंटे के लिए छोड़ के फिर आप उसे वॉश कर सकते हो पानी के साथ। बहुत 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 प्यारे बाल हो जाएंगे। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हेयर फॉल का रीज़न कोई भी एक नहीं है। किसी का हेल्थ इशू है लाइक थायराइड है या कुछ है, किसी का स्ट्रेस है, किसी का और भी जैसे कोविड हो गया या कुछ और उसके 2-3 महीने के बाद से सीवियर हेयर फॉल। अगर हम इतनी अच्छी हर्बल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लेकिन साथ में हमारा हो सकता है हमें शैम्पू ही सूट नहीं कर रहा, हो सकता है कंडीशनर सूट नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं उस पर भी हम हर्बल में आ जाते हैं। इसका जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक हमारे जो केमिकल शैम्पूज़ होते हैं उसकी तरह बहुत लेदर या फोम नहीं बनेगा, लेकिन ये सफिशिएंट है आपके बालों को अच्छे से साफ करने के लिए, स्किन स्कैल्प को साफ करने के लिए। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि संतुष्टि तभी होगी जब बहुत सारे झाग आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो जब आपने ऑयलिंग की है या वैसे भी नेचुरली, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार आपने अच्छे से इससे अपने हेड को वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद धोने के बाद जहां आपका एक अगर एक बड़ा स्पून भर के अगर आपके बालों में शैम्पू लगता था तो वो थोड़े से शैम्पू में काम हो जाएगा क्योंकि आपका स्कैल्प ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। तो फाइनल उसके लिए कि वो साफ़ हो जाए आप थोड़ा सा शैम्पू फाइनली लेके, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो, या आप नॉर्मली इसके साथ धोते रहोगे अपने बालों को जब भी हफ्ते में 1 या 2 बार कर रहे हो, और बरसातों में प्लीज़ अपने बालों को शैम्पू या ये अगर आप यूज़ कर रहे हो ज़रूर किया करो, क्योंकि जो पसीना निकलता है वो नमक का पानी अगर आप धोते नहीं हो तो फिर से आपके स्कैल्प में जाता है, आपका हेयर फॉल और बढ़ा देता है। ठीक, चाहे आप पानी से धो, अगर आप स्विमिंग करते हो, आप देखते हो ना हम कहते हैं कि स्विमिंग करने से, या कोई एथलीट है तो हेयर फॉल बहुत होता है क्योंकि जो पसीना आता है वो स्कैल्प में वापस जाता रहता है और नमक आपके रूट्स को वीक कर देता है, तो इसलिए उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो ये बॉयल हो रहा है, इसके अंदर आपके स्कैल्प को साफ करने से लेके और भी जो ज़रूरी चीज़ें, आप देख रहे हो ये जो रोज़ पेटल्स हैं कितना अपना इन्होंने कलर ख़त्म कर दिया है, तो वो मैंने बस इसलिए डाली है क्योंकि एक जब आपका होता है ना जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी फ़ायदे बहुत हैं लेकिन खुशबू उतनी आपको शायद पसंद ना आए, तो इसीलिए हमने जो रोज़ का पाउडर है वो तो है ही, इसमें कुछ पेटल्स भी डाल दिए ताकि जब आप बॉयल करो तो आपको वो खुशबू महसूस हो। सिर्फ देखो अगर मैंने शुरू में खौलता हुआ पानी नहीं डाला था तो एक भी लंप नहीं इसमें। अच्छे से बॉयल कीजिए, आप कितनी देर बॉयल करना है वो इसकी थिकनेस आपको बता देगी, और आप देखो ये कितना सारा है। अभी मैंने आप लोगों के सामने अगर एक ये वाला स्पून था लगभग वो, अगर वो लिया है तो एक इंसान का बहुत 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 अच्छे से स्कैल्प साफ हो सकता है इसमें। अगर आप देखोगे ना लगभग 1 चम्मच में आपका
एक मग के करीब बन जाता है, जो कि आपका एक बार का हेड वॉश बहुत 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 अच्छे से करता है। और बिलीव मी, जैसे हम लोग सब जानते हैं ना, भृंगराज वगैरह बहुत फ़ायदा करता है, इसमें वो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्कैल्प को खाली क्लीन नहीं करेंगी, उसके साथ साथ उसके जो फ़ायदे आपको चाहिए, चाहे आंवला हो, शिकाकाई हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको फ़ायदा भी पहुँचाएंगी। तो ये लगभग 5 से 10 मिनट होता है, बस 8 से 10 बॉयल्स आ गए। आपको दिख रहा है कि इसका अच्छे से जितना भी मेरे ये पाउडर्स थे उन सबका सत आपके पानी में आ गया, तो बस मेरा काम हो गया। अब इसको बंद करने के बाद आप आराम से अपना कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर आपको इसको छानना है। तो हम लोग इसको इतना बारीक पीसते हैं ताकि आपका बिल्कुल भी वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। बस एक बार आपने बना लिया, उसके बाद आप आराम से, अब ये जितना है इसमें मैं एक बड़े इंसान का और एक बच्चे का हेड वॉश आराम से हो जाएगा। और आप सोचिए, सिर्फ एक हमने एक तरह से बड़ा स्पून लिया था, टेबल स्पून। तो अब आपका शैम्पू बन भी गया, यूज़ कैसे करना है मैंने बता भी दिया आपको, उसके बाद खुले पानी से आप धोना, उसके बाद बताना आपको क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। अगर बहुत आपके बाल ऑयली हैं, हो सकता है एक की जगह दो बार आपको साफ़ करना पड़ जाए बस, तो पूरे को एक ही बार में मत लीजिए, दो बार में लीजिए। एक बार अच्छे से आधे पानी से इससे बालों को धोया, खुले पानी से धोने के बाद फिर से एक बार डाला, जैसे कि हम नॉर्मली शैम्पू से करते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही करोगे। तो ये वाली चीज़ की मैं बात कर रही थी। अब जो ये बचा है, इसे फेंकने की जगह अगर आप चाहो तो दही या अंडा या बनाना या आपके राइस पड़े उसके साथ मिक्सी में ग्राइंड करो, अच्छे से पैक की तरह लगा लो, जब भी मन करे। आज बनाया, आप इसे फ्रिज में डब्बी में रख दो, आप कल परसों में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह इसे यूज़ करो तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पहले अच्छे से बालों को पानी के साथ आप एक बार धो लीजिए। पानी कभी भी बहुत गर्म मत रखिए, चाहे कितनी भी सर्दी हो, क्योंकि ये बात याद रखिए, मैंने अपने एक वीडियो में समझाया था कि अगर आपको किसी भी बर्तन की चिकनाई हटानी होती है तो आप क्या करते हो, गर्म पानी डालते हो ना। तो इसी तरह जब आपको अपने बालों के ऊपर गर्म गर्म पानी बार बार लगाते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो भी खत्म हो जाता है। ये देखो, ये दिखने में इस तरह का लगेगा। एक बात बताती हूँ, पक्की बात है कि हमारे जो केमिकल बाजार वाले हमारे शैम्पूज होते हैं वो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि करेले की, एलोवेरा की, हम सब जानते हैं कि उसमें कितने गुण हैं, है ना, लेकिन खाने में कड़वा है। उसी तरह ये देखने में उतना खूबसूरत आपको नहीं लगेगा, हो सकता है किसी किसी को लगे कि नहीं मेरे को तो ऑयली बालों में रह गया, नहीं रहेगा। अगर आप उसे अच्छे से धोगे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं हाथों पर ले रही हूँ और इस तरह से मसाज करते जा रही हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आप जो बालों की ग्रोथ से लेकर सब चीज़ों की बातें करते हो ना, कोई नुकसान नहीं होगा। जो हमारा डैंड्रफ वगैरह है उस पर भी काम करेगा। इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा लेते जाइए और स्कैल्प के ऊपर इस तरह से हल्के हल्के मसाज करते जाओ। बच्चों के बालों के लिए सच मानो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
ये नीचे के भी बाल हैं, इस पे भी मैं डाल लेती हूँ। बहुत अच्छे से मानसी के बालों में हो गए, और जब आप लोग अपना धोते हो तो और भी अच्छे से हो जाता है। एक्चुअली मुझे ध्यान रखना आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वगैरह वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। मैं पूरा साफ कर लेती हूँ। मैं हल्का सा पानी चला दूँ, मन से गर्म करेंगे तो बालों को जोर जोर से मत रगड़ा करो आप लोग, है ना, प्यार प्यार से बस करो। मानसी के बाल सूख जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना खूबसूरत इसके बालों में और बिना किसी साइड इफेक्ट के। वो ठीक है कि फोम बहुत नहीं आएगा, बट आपका एक्स्ट्रा ऑयल जरूर निकल जाएगा और आप लोग इसके बाल देखना क्या रेशम जैसे लगेंगे। तो मानसी और मैं नॉर्मल डेज में यही यूज करते हैं, परीको अपने आप को मानसी को सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाजार वाले शैम्पू नहीं यूज करते, बिल्कुल करते हैं, कभी कभी जब भी मन करता है कि आज, और फिर जब कोई काम कभी कभी करते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। जब आपको लगे देखो नीचे अभी भी थोड़ा गंदला सा पानी है ना, तो अच्छे से निकालना। जब आप इसे छानोगे तो किसी मलमल में या मतलब कॉटन के कपड़े में, या आप जो जूस वाली हमारी छलनी होती है उसमें छानना, ताकि आपका जो बिल्कुल भी कोई भी पार्टिकल उसमें रहे ना। अब आप देख रहे हो पानी एकदम साफ आ रहा है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, एक टॉवल लेके आप अच्छे से बालों को कर दीजिए। उसके बाद का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे बाल लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बाल धोने से लेके शैम्पू से लेके सब कुछ आपके साथ शेयर हो चुका है। मानसी के बाल बहुत अच्छे से धुल चुके हैं, सूखने के बाद मैं बताऊंगी कि कैसा लगा। बाय बाय।